हेलो स्टूडेंट्स, ये जो 2022 का निफ्ट के एग्जाम है ये काफी टाइम से कंफ्यूज कर रहा था कि कैसे होगा, कब होगा। जब ये शुरू भी हुआ देन द मेजर इशू इज हाउ ऑनलाइन ऑफलाइन। अब ऑनलाइन वी नो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू सेट अप व्हाट एवर दे आर आस्किंग कि ये चाहिए, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप, ये वो। देयर आर फ्यू कंफ्यूशंस, इनफैक्ट many confusions around. तो I thought के let's do a demonstration. कौन सी equipment चलेगा, कैसे चलेगा and किस तरह से you can do a best setup. So you can see I have lots of stuff around. So here I want to show you. This is an Android phone. This is also an Android phone. This is an iPhone. It's a iPad. This is a tab. It's a laptop. This is a power bank. It's an webcam. It's an earbud and it's an headphone. This pencil eraser sharpener is a necessary thing. तो ये बाद में आता है। फिलहाल ये जो सारी equipment है इसको लेके बात करते हैं। हाँ, इसके साथ मेरे पास ये भी है, एक रिंग लाइट एंड इसका जो स्टैंड है फोन का, और भी कुछ कुछ चीजें है जो धीरे धीरे सामने आएगा। सो आई एम गेटिंग अ फीलिंग लाइक अ टेक गुरु सॉर्ट ऑफ, जैसे मैं कुछ एक अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट क्लियरली समझा रहा हूं, ये जो आईफोन है वी कांट यूज आईफोन बिकॉज कहीं पे मेंशन नहीं था। सो आईफोन नहीं यूज कर सकते, एंड्रॉइड ही यूज करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निफ्ट बोलता है तो जो भी नोटिफिकेशन मिला है, जो मुझे समझ में आया है और जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है इधर उधर से, सो वी कांट यूज आईफोन। सो वी हैव टू स्क्रैप आईफोन ऑप्शन। नाउ हेडफोन को लेके लोगों ने बहुत सारी चीजें पूछा है, माइक्रोफोन और हेडफोन को लेके। माइक्रोफोन का रिक्वायरमेंट है, तो माइक्रोफोन जनरली आपके सिस्टम पे होता है, आपके वेबकैम पे है, या प्रॉपर माइक्रोफोन सॉर्ट ऑफ चाहिए। बट ये जो हेडफोन्स है ये कान पे लगा के नहीं कर सकते हो। इन एनी केस अगर आप हेडफोन की माइक्रोफोन को यूज भी कर रहे हो तो वो आपको आसपास रख देना पड़ेगा। यू कांट यूज इट लाइक दिस। तो हेडफोन वाला ऑप्शन नहीं है। नाव आते हैं हम लोग इस पे, एयरपोर्ट। ये जो एयरपोर्ट्स व इस तरह की चीजें हैं ये बिल्कुल नो है, तो ये एकदम ही यूज नहीं कर सकते हो। ये मेंशन्ड है कि यू कांट यूज इट, तो नोटिफिकेशन अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा कि वी कांट यूज एयरपोर्ट ऑल्सो। तो ये भी गया ऑप्शन। तो ये जो है आईपैड, यू कांट यूज आईपैड ऑल्सो बिकॉज ये मेंशन नहीं है, अगेन एंड्रॉइड वाला इश्यू है। तो आईफोन का ऑप्शन भी मैं ऑफ करता हूँ। Now the point is that के रह गए ये सारे सामान जो अभी आपको दिख रहा है। मैक यू कैन यूज, तो मैक को लेके मैं नहीं जा रहा हूं। मैक जिनके पास है उनको जो ISO चाहिए होगा उसके हिसाब से दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ मैक दे नीड टू यूज और नॉट। सो दिस इज द बेसिक इक्विपमेंट विच यू कैन यूज। लैपटॉप एक सामने रखता हूं इसको मैं, देन एक एंड्रॉयड टैब यू कैन यूज। Then there are two devices. तो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? You can give the example two devices like this. एक सामने होगा और एक बाहर सेटिंग अप होगा, जिस तरह से वो पूरे रूम को देखेंगे। ये सेटिंग अप हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में दिखाएंगे। You can use tab and you can use one Android phone. तो इसको सामने रख के again you can set it up, और इसको सामने रख के you can set it up. कैमरा, माइक्रोफोन दोनों में ढंग से होना चाहिए, जो 1.3 मेगापिक्सल बोला है, ये हो गया। थर्ड, यू कैन यूज ये लैपटॉप एंड वन एंड्रॉइड फोन। देन अगेन यू हैव टू सेट अप लैपटॉप फॉर योर मेन डेज, जहां से आप एग्जाम देख के दोगे, और ऑब्वियसली मोबाइल को अगेन यू आर सेटिंग अप लाइक अ सीसीटीवी। नाउ द थिंग इज दैट के यू कैन यूज दिस एंड दिस ऑल्सो। सो ये सारे जो इक्विपमेंट है ना, आप इसका किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। और साथ में जो है वो है डेस्कटॉप। सो यू कैन यूज डेस्कटॉप और दीज ऑल इक्विपमेंट्स फॉर योर एग्जाम। मेरे ख्याल से आप ये फिजिकली और विजुअली देख के समझ में आ गया, तो इसको किसी को भी ऑल्टरनेट कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई इसको एज ए सीसीटीवी यूज नहीं करेगा, जिसके पास डेस्कटॉप है दे विल यूज द डेस्कटॉप एज ए जो मेन सिस्टम है, एंड बाकी कोई भी चीज को वो लोग सीसीटीवी यूज करें। एंड लैपटॉप भी जिसके पास होगा, मेरे ख्याल लैपटॉप को भी मेन जो सेटअप है उसके तरह यूज करेगा, एंड टैब या फोन को दे विल यूज लाइक अ सीसीटीवी। सीसीटीवी मैं बोल रहा हूँ उसको समझाने में आसान होता है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे पावर बैंक, इट्स एन हेवी ड्यूटी पावर बैंक है। हम लोगों के जो वीडियो है जिससे सारे लिस्ट है उसमें ये सारे पावर बैंक का मेंशन है, तो यू कैन चेक दिस वीडियो, यू विल गेट द लिंक। अभी मत जाना, बहुत कुछ देखना है, यू विल सी दिस in the description box, and if you are seeing it in our workshop, then you can watch that video, maybe you have already watched, and you will get all the link there. Now this is a webcam. Webcam is a very safe option because webcam generally has a good mic. Generally हम लोग zoom और ये सब जब करते हैं webcam के through ही करते हैं, तो webcam का एक better version अगर आप ले लेते हो that will help you, and desktop पे generally कोई कैमरा होता नहीं है इधर, तो you need the webcam and webcam का mic is quite reliable। तो ये गया basic setup। इसके साथ आता है UPS which you require। So मेरे ख्याल से मैं काफी हद तक टेक गुरु वाला काम कर लिया है, इसको मैं हटाता हूँ एंड बाकी चीजों पे बात करते हैं। सो बाकी जैसे कि उन लोगों ने बोला हुआ है, ये सर शार्पनर, इरेजर और पेंसिल ये तो चाहिए होगा। यू कैन हैव पेंसिल कलर, मैं आपने अदर वीडियो पे भी बोला है कि पोस्टर कलर का बेटर है यूज ना करो बिकॉज पानी वानी गिर सकता है, इतने सारे डिवाइस लेके बैठे हो। सो ये पेंसिल कलर इज गुड एंड यू नीड टू हैव पेपर। अब लोग बोल रहे हैं किस तरह का पेपर। जनरली जब आप एग्जाम देने जाते हो तो बेसिक क्वालिटी पेपर ही यूज करने के लिए बोलता है। और वन मोर थिंग, ये जो पेपर होता है इट वर्क्स वेल विद द पेंसिल और पेंसिल कलर, तो पेपर में फैंसी होने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट कैन गेट अ बेटर क्वालिटी फॉर स्टेट पेपर, इसमें बहुत क्वालिटी का फर्क होता है। डोंट गो बाई मच सिंपली पेपर, यू कैन टेक लिटिल रफ पेपर एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। तो दिस ऑल द बेसिक requirements you actually need before that exam, in fact in the exam। and one more thing, जो बोला गया है कि ये पेपर जो साफ है ना, ये इन्विजिलेटर को दिखा देना पड़ेगा कि भाई पेपर मेरा साफ है, कुछ चीज लिखा नहीं है, then you can start for CAT, for GAT, for everything। so मेरे ख्याल से this will help you a lot to understand के what is there in that complicated list to give this exam। now in the second part I will show that how to set up your system। ये समझ में आ गया। सिस्टम सेटअप की जो बात आती है वो ये रिंग लाइट को लेके आते हैं। ये रिंग लाइट हम लोगों ने इसलिए मेंशन किया है कि अगर तुम्हारे घर पे व कहीं पे लाइट की कमी है, लाइट का एक मेंशन था वहां पे कि अंधेरा है, कुछ भी है, दे वांट टू सी कि कुछ वहां पे ऐसा कुछ है कि नहीं जहां पे कोई छुपा है या आपने कुछ नोट्स रखा है। नोट्स के मैं एक चीज बोल देता हूँ कि अगर आपका रूम ऐसे बहुत, आपके पास एक रूम है ऑलरेडी, आपका डेस्क है, सब है और उसके आसपास किताब वगैरह रखा हुआ है, वहां पे एक मान के चलो व्हाइट बोर्ड रखा है या कुछ बोर्ड पिन के में कुछ पिन अप करके रखा है, यू डोंट यूज दैट सेटअप। ऐसे अगर लगे वहां पे गलती से भी कि आपके कुछ प्रिपरेशन की बुक रह गए, कुछ नोट रह गए वहां पे, दैट कैन डिस्क्वालीफाई यू। सो एक क्लीन सेटअप जैसे मैंने ऐसे किया है, ऐसे ही सेटअप करना। जिनके पास कोई ऐसे सेटअप अभी नहीं है तो बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है कि ऐसे टेबल खरीदना पड़े। यू कैन यूज एनी टेबल एंड एनीथिंग। एंड एक ऑप्शन मैंने हमेशा ही दिया है, कहीं पे भी आप एग्जाम देते हैं, कहीं पे भी यू नीड टू गो टू द सेंटर एंड ऑल, कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही पूरा दिन के लिए। सो बेटर अगर कोई सस्ता होटल है वो बुक कर लो, या किसी दोस्त के पास ऐसे रूम है वहां पे चले जाओ जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड टेबल कुछ भी हो, आपको जब बैठ के देना है आसपास क्लीन हो। सो अगर जितना चीजें चाहिए वो एकदम मिनिमम एंड टू द पॉइंट हो, जैसे मैंने अभी सेटअप करके रखा है, दैट इज मच मोर इजी एक्चुअली। उनके लिए भी जिन रिलेटिंग करेंगे कि आसपास कोई है कि नहीं है, और आपके लिए भी टू गिव दैट एग्जाम, बिकॉज आफ्टर ऑल यू विल गेट 6 hours एंड दिस 6 hour विल एक्चुअली डिफाइन आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और ये लाइट और ये सारी चीज सेटिंग करने की जो तरीका है, ये एक सेटअप करने के बाद मैं आपको भी दिखाता हूं कि वो सेटअप कैसे होना चाहिए। सो कीप वॉचिंग। सो स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी सीन के व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स यू रिक्वायर और नॉट इन टर्म्स ऑफ डिवाइस एंड ऑल, ये तुमने देख चुके हो। Now this is the setup I have made। अभी कैमरा और ये सब लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा था, तो ये बात ये है कि this is a laptop I'm using for the main setup। main setup means इसमें मुझे कोई ऐप नहीं चाहिए, ये Google Chrome से ये चलेगा। और ये papers and all मेरे साथ हैं, तो जो मैं रफ यूज कर रहा हूँ सब कुछ इस पे यूज करूंगा। वेब कैम नहीं यूज किया बिकॉज इस लैपटॉप में ऑलरेडी कैमरा वगैरह है। सो इफ यू हैव दैट इक्विप्ड लैपटॉप देन इट इज फाइन, एल्स यू हैव टू यूज द वेब कैम जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है। तो नाउ ये पेपर्स है, ये पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीजें मैं इसका रखा है बिकॉज आई कांट मूव टेक्निकली। इस पे कोई इजी आउट होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट स्टिल अभी का हिसाब से मैं ये जो बैठ गया तो सारा चीजें मेरे हाथ में होना चाहिए। वन मोर थिंग के जो ये पानी का बोतल है ये भी रख सकते हो, और बेटर है कि इन्विजिलेटर को दिखा देना कि यू हैव अ वाटर बोतल हियर, और कहीं से भी। तो ये एक चीज तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, बस इतना ही तुमको मिल रहा है। अब आता है जिसमें सबसे ज्यादा डाउट सबको है, कैमरा जो सीसीटीवी के लिए यूज हो रहा है, जो मोबाइल फोन है उसको कैसे सेटअप करें। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे सेटअप किया, तुम देख पा रहे हो। ये कैमरा में एक्चुअली क्या होगा, एक QR कोड स्कैन करना पड़ेगा एक ऐप के थ्रू। मेरे ख्याल से इस तरह का जो डिवाइस को कनेक्ट करने वाला ऐप होता है, उस ऐप का नाम होता है यू कैन एक्सेस करके एक ऐप है। तो वो ऐप मोस्ट प्रोबेबली तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो QR कोड देगा वो QR कोड को स्कैन करते ही ये सब डिवाइसेस एंड कनेक्ट हो जाएगा। इसकी जो कैमरा है, इसका जो माइक है, दैट कैन रिकॉर्ड कि ये पूरे जो रूम है यहाँ पे, उस रूम पे क्या हो रहा है। और अगर कुछ चेंज करना पड़े तो इन्विजिलेटर शायद बोल सकता है कि इसको थोड़ा घुमा दो सो दैट यू कैन शो योर बैक, कोई है कि नहीं है। दैट्स इट, इससे ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी ये जो पार्ट है जो मैंने यूज किया है अभी यहाँ पे, इसके साथ फिक्स था। तुम्हारे यहाँ पे लाइट की इशू नहीं है, तो तुम सिर्फ ये वाला एक चीज है वो दीवार पे लगा सकते हो, या यहाँ पे बुक्स टैग करके कोई भी चीज ऊंचा करके रख के डाल सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा हाइट पे होना चाहिए जहां से ये पूरा दिख पाए। तो ये तुमको अगर लकड़ी रूम पे कोई रैक है ऑलरेडी उस पे डाल सकते हो, नहीं तो दो लकड़ी के फट्टा बांध के एक रैक बना के डाल सकते हो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन ऑल ऑफ दिस इक्विपमेंट। ये आसान तरीका है, याद रखना। सिर्फ ये हाइट पे रूम दिखना चाहिए, इस हाइट पे तुमको टिका के रखना है अपने मोबाइल को या जो भी सेकेंड डिवाइस तुम यूज कर रहे हो। तो वो टिका के रखने का ऑप्शन, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट इन निफ्ट। तो ये आपको जुगाड़ करना है। स्टैंड इजियर है, सेट कर दी, और रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू अरेंज, ऑर्गेनाइज टू गेट दिस काइंड ऑफ हाइट। दिस इज द होल सेटअप। अब जो चीज नहीं हो सकता है वो ये है कि जब मैं यहाँ पे एग्जाम दे रहा हूँ वो देख पा रहा है कि मेरा जेस्चर क्या है, कैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं कंसंट्रेट इधर कर रहा हूँ कि इधर उधर मैं देख रहा हूँ। ये सब वो लोग समझ पाएंगे देख के ही, इधर से भी देख रहा है इधर से भी देख रहा है। तो किसी भी तरह का चीटिंग करने की कोशिश मत करना। अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट मत समझना कि इतना ज्यादा स्मार्ट मत समझना कि आप चीटिंग कर लोगे कोई पकड़ेगा नहीं। क्या है ये पंगा लेके कोई जरूरत नहीं है ना, अगर उसको समझ में आ जाए तो तुम्हारा ही बर्बादी है। तो अभी भी जितना टाइम है प्रैक्टिस करो एंड डू दिस एग्जाम as much as possible seriously and honestly। और वो चीज जो नहीं हो सकता है, शुरू में था एकदम रेस्ट्रिक्टेड, फिर थोड़ा बहुत राहत मिला है, वो ये है कि नहीं आ सकते हो अभी, ठीक है, बाहर कोई बाहर से नहीं आ सकता है। बाई चांस कोई आ जाए ऐसे में तो तुम बोल देना, या इन्विजिलेटर को समझ में आ जाएगा कि कोई आ रहा है एक्सीडेंटली, तो वो अपने बॉडी लैंग्वेज में दिखते हैं। सो डोंट वरी अबाउट, इतना ही था। सो अब देखना पड़ेगा कि जो इन्विजिलेटर तुमको देख रहा है वो एक्चुअली क्या देख रहा है। सो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड सेगमेंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन्विजिलेटर जब देखेगा तो आपको एग्जैक्टली इस तरह से दिखेगा। आपका बैक दिख रहा है उनको, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कोई है कि नहीं है। और साइड कैमरा इधर है एंड साइड से जो इस रूम के बाकी जो व्यू है वो दिखेगा। मैक्सिमम जो साइड कैमरा है वो बोल सकता है कि थोड़ा सा घुमा के दिखा दो, सो वो आप घुमा के दिखा देना। देन एक बार वो लोगों ने पूरा देख ली तो एक जगह पे वो सेट रहेगा। सो दिस इज ऑल, नाउ आई हैव एवरीथिंग हियर। जो भी चीजें करना है, तो यू आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड इन दिस प्लेस फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम। 6-7 घंटा आप रुके हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको काम करना है विथ फुल कंसंट्रेशन, दैट इज ऑल। और एक बात है, पीछे यहाँ पे आपको पोपो दिखेगा, हम लोग का जो पेट है, बट ऐसे कहीं पे मेंशन नहीं है पेट के बारे में। बट स्टिल आपके जो एग्जाम का टाइम, कोई भी पेट को भी वहां पे मत रखना, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। और पोपो को अगर और ज्यादा देखना चाहते हो तो एक चैनल और भी हम लोग बना रहे हैं, यू कैन चेक हियर एंड यू विल गेट दैट चैनल। तो यू कैन सी पोपो पूरा दिन क्या हरकत करता है। और इसके साथ साथ दो चीज और बोलनी है जो जरूरी है, कि ड्राइंग को लेके कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी समझना है और ज्यादा, तो एक चैनल हम लोग का और भी है कि BFA विद QR एंड डिजाइन। उसमें ज्यादा डिटेल पे ड्राइंग एंड शेडिंग के बारे में वीडियोस है। सो इस पे जब शेडिंग वेडिंग की बात आ रही है, जरूरत पड़ता है तो यू कैन गो चेक दैट चैनल, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो यू कैन चेक दैट। एंड तीसरा एक चैनल, अगर मैम का हरकतें और देखना है सो यू कैन चेक अनदर चैनल कॉल खाना अनजाना, दैट लिंक ऑल्सो यू विल गेट देयर। उस पर मैम अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। सो एक तो हम लोगों को आप देख ही चुके हो यहाँ पे ऐसे सीरियस मोड पे, और हम लोग की जब अदर साइड देखना है यू कैन बी कनेक्टेड विथ अस विथ डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स। सो और भी कुछ चैनल्स है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल निफ्ट का एग्जाम बीएफएच की एडेंट डिजाइन आप देख लो, वहां उसमें आपको गाइडेंस मिलेगा ड्रॉइंग एंड शेडिंग की, एंड वो तो है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।